हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जस्ट मार्कोनिक ऑफ रूल का अपोजिट है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल केवल और केवल कौन शो करता है, कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड शो करता है, वो केवल करता है HBr। कौन करता है? HBr। HCl, HI और HF ये शो एंटी मार्कोनिक ऑफ नहीं करते। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये शो नहीं करते, आज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम क्यों नहीं करते। रीजन सुनो, HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बोलते हैं बंद वियोजन ऊर्जा, हिंदी बोलते हैं बंद वियोजन ऊर्जा। अब बंद वियोजन ऊर्जा ज़्यादा है तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, इसलिए HF देता ही नहीं। Cl के साथ भी वही है, Cl की भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए HCl भी नहीं देता, HCl ने भी नहीं दिया। HI पर आ जाओ, HI फ्री रेडिकल बनाता है। अभी फ्री रेडिकल की बात करूंगा मैं, फ्री रेडिकल क्या होता है। HI बनाता है, टूटता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम होती है, लेकिन HI फ्री रेडिकल बनाएगा और तुरंत वापस ये फ्री रेडिकल जो रहना चाहिए था वापस आई होता है फ्री रेडिकल, वो दूसरे आई फ्री रेडिकल से मिलकर क्या बना लेगा? I2 आयोडीन बना लेगा। अब आयोडीन बन जाएगी तो फ्री रेडिकल रहेगा ही नहीं, तो ये रिएक्टेंट के रूप में यूज ही नहीं हो पाएगा कि जिसको आई फ्री रेडिकल को यूज होना था। अब यूज ही नहीं हो पाएगा तो काहे की एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, तो इस कारण HF, HCl और HI एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं देते या प्रोडक्ट नहीं देते। रीजन बता दिया, HF, HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है जबकि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो कम होती है, टूटते हैं बॉन्ड, लेकिन आई फ्री रेडिकल दूसरे आई फ्री रेडिकल से मिलकर क्या बना लेगा? I2। अब दूसरा फिर HI कहाँ से आया? I कहोगे। अब हमने कहा HI होता है केवल एक मॉलिक्यूल तो डालते नहीं हम तो बहुत सारे मॉलिक्यूल डालते हैं, तो लगभग सारे डिसोशिएट होंगे तो आई फ्री रेडिकल बहुत सारे मिलेंगे, आई फ्री रेडिकल बहुत सारे मिलेंगे तो हमको I2 की फॉर्म में मिलेगा, इसलिए ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं देते। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कौन देगा? HBr देगा। तो हम केवल क्या करेंगे? HBr के बारे में जानकारी करेंगे। अब HBr देखो, HBr देगा लेकिन कब? इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड की। किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड। तो लिखना प्रेजेंस किसकी उपस्थिति, ध्यान रखना एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी या प्रति मार्कोनिक ऑफ, मार्कोनी को बोल देते हैं को नियम, उपस्थिति ध्यान रखना परऑक्साइड। अब परऑक्साइड कौन सा? परऑक्साइड पहला परऑक्साइड तो ये हो C6H5CO, इसका नाम होता है बेंजोइल परऑक्साइड। क्या नाम होता है? बेंजोइल परऑक्साइड, ऑक्साइड H2O2 ये लो, इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड। अब इनकी उपस्थिति में होता है कौन देते हैं? रिएजेंट कौन सा होता है? अभिकर्मक कौन होगा? केवल HBr होगा। रिएक्टेंट कौन होगा? अभिकारक जिसे बोलते हैं, अभिकारक कौन सा होगा? एल्कीन। कौन सी एल्कीन? असममित एल्कीन होगी
ये नोट डाउन कर लो आप। इस नोट डाउन करने के बाद आप लोग देखो कि HBr का संयोग किया, मैंने कहा था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, HBr के साथ एडिशन हुआ किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर ऑक्साइड देता हूँ मैं, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो और Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये Br और यहाँ क्या जुड़ जाएगा H, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2 और CH2 और ये Br। क्लियर है बात, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये देखो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना हमारा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 इधर Br और इधर H, इसको मैंने कैसे लिख दिया CH3CH2 और CH2Br, ये लो इसका नाम ब्रोमो प्रोपेन, क्या नाम है ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन ये। अब हम देखते हैं ये हुआ कैसे एक्चुअल में, हमने मार्कोनिक ऑफ नियम जब किया था तो मार्कोनिक ऑफ नियम तो ये कहता था हमसे कि यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जो फॉलो होता है वो आप एक लाइन उतारो उस पर डिपेंड करता है। तो ये लिखो यह अभिक्रिया मुक्त मूलक जिसे अपने फ्री रेडिकल बोलते हैं, मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है, क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है किसके द्वारा होता है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा, मतलब फ्री रेडिकल बनेंगे मुक्त मूलक बनेंगे, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग मुक्त मूलक बने। अब मुक्त मूलक बनाओ आप, देखो जैसे HBr का है तो HBr टूटेगा किस में, H डॉट और Br डॉट में, ये लो मुक्त मूलक बन गया, इसको हाइड्रोजन मुक्त मूलक, इसको ब्रोमीन मुक्त मूलक बोलते हैं, तो हाइड्रोजन मुक्त मूलक और ब्रोमीन मुक्त मूलक बनेंगे, ये मुक्त मूलक बना इनकी प्रेजेंस में। अब बेंजोइल परोक्साइड होता क्या है, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, C6H5, देखो ध्यान सुनो CO ये इंपॉर्टेंट है, CO C6H5 अभी इसका नाम लिखाया था, ये क्या होता है ब्रोमीन बेंजोइल परोक्साइड। अब यहाँ होता क्या है समास विखंडन, इसको इंग्लिश बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, क्या बोलते हैं समास विखंडन होमोलाइटिक क्लीवेज, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा बीचों बीच, बिल्कुल समास विखंडन वहाँ होता है जहाँ पर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। तो मुझे बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटा, तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटेगा, तो इसके पर भी डॉट आएगा इस पर भी डॉट आएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं C6H5CO, इस O के ऊपर डॉट लगा दूँ, देखो यहाँ टूटा एक ऑक्सीजन पर डॉट आ गया, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो सेम है बिल्कुल, तो यहाँ आगे दो लगा दूँ मैं, तो C6H5COO के ऊपर क्या लगा दिया मैंने डॉट लगा दिया, वो जो बना है C6H5COO के ऊपर डॉट, एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, दो बने थे अपने पास, फिर से समास विखंडन होता है, समास विखंडन फिर से होता है, विखंडन हुआ समास विखंडन, तो अब बॉन्ड टूटता है यहाँ से, ये यहाँ से टूटेगा फिर से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो देखो C6H5 के ऊपर एक डॉट आ जाएगा प्लस में। अब यहां देखो C के ऊपर एक डॉट आया, एक डॉट ऑक्सीजन के ऊपर है, दोनों आपस में ये डॉट और कार्बन पर आया हुआ डॉट आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा, हाँ CO, यहां भी क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसको ये CO2 तो है, CO2 है,
तो ये बन गया, इसको बोलते हैं फेनिल मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? फेनिल मुक्त मूलक, फेनिल मुक्त मूलक, मूलक। ये एक बार समझ लो वापस। एच बी आर टूटता है एच डॉट बी आर डॉट, बेंजोल परोक्साइड की उपस्थिति में होता है। बेंजोइल परोक्साइड में समास विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ऑक्सीजन पर डॉट आ गया, इस ऑक्सीजन पर दोनों पार्ट सेम है इसलिए दो लगा दिया मैंने। फिर क्या किया, ये जो बना है अपने पास डॉट वाला, ये फिर से समास विखंडन होता है यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से विखंडन होगा। तो इसकी कार्बन पर भी एक डॉट, इस कार्बन पर भी एक डॉट, ये कार्बन का डॉट इस ऑक्सीजन डॉट से मिलके CO2 बना के अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा फेनिल मुक्त मूलक। अब आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी में यहाँ ध्यान रखना, फेनिल मुक्त मूलक बना है अपने पास, फेनिल मुक्त मूलक। अब फेनिल मुक्त मूलक क्या करेगा, जो फेनिल मुक्त मूलक है C6H5 ये कंबाइन होगा HBr के साथ, HBr के साथ। और अभी हमने बताया था HBr में H टूटता है H डॉट और Br डॉट में, यहाँ जुड़ेगा इस डॉट के साथ H, तो क्या बन जाएगा, देखो C6H6 बेंजीन अलग होगी, प्लस में क्या बन जाएगा Br डॉट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो Br डॉट बन गया। H जुड़ा है वहाँ पर, वो स्टेबल कंपाउंड है। अब कई जने कहेंगे सर Br क्यों नहीं जुड़ा हुआ, वो स्टेबल है, बेंजीन होता है वो स्टेबल होता है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने से स्टेबल हो जाएगा, क्लियर है बात। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ H जाके जुड़ गया। अब Br बना है, तो हमारे पास एल्कीन थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये टूटेगा। अब यहाँ भी वही बॉन्ड टूटता है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है, एक डॉट इसके पास और एक डॉट इसके पास। अब Br को जुड़ना है, अब देखो Br जुड़ेगा, दो कंडीशन है, हो सकता है इस वाले कार्बन पर जुड़े, हो सकता है इस कार्बन पर जुड़े, देख लेते हैं अपने। तो देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ एक बार मैंने Br यहाँ जोड़ दिया और एक बार Br मैंने बीच वाले कार्बन पे जोड़ दिया, ये लो CH2, ये देखो यहाँ जब जोड़ा इस वाले पर तो डॉट यहाँ रह जाएगा, और इस वाले Br पर जोड़ूंगा तो इस वाले कार्बन पर क्या होगा डॉट रह जाएगा, ये लो मुक्त मूलक। अब एक बात देखो, क्लियर हो रही है बात, ये कार्बन जिस पर डॉट है ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, मुक्त मूलक है फ्री रेडिकल, और ये कितना है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल 1 डिग्री समझते हो ना, 2 डिग्री वापस क्लियर कर देता हूँ, जिस कार्बन पर डॉट है फ्री रेडिकल है वो डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये कार्बन जिस पर डॉट है ये कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 1 डिग्री फ्री रेडिकल बोलते हैं, तो फ्री रेडिकल बन गया। अब एक बात बताओ मुझे, स्टेबल कौन है दोनों में से, स्टेबल कौन होता है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल स्थाई है, ये स्थाई स्टेबल है, ये स्टेबल स्टेबल है, तो जो स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट बनाता है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल, तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखो प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाया तो हमारे पास क्या हुआ, बना क्या, ऊपर उतारों में CH3 CH CH2 इधर Br और इधर क्या आ गया डॉट आ गया। अब बहुत सारे HBr है वहाँ पे, बहुत सारे HBr हैं, तो HBr के साथ आया कंसीडर हुआ ये HBr, तो क्या बनेगा देखो। अब यहाँ पर बॉन्डिंग इसकी H की आएगी, H आके यहाँ जुड़ जाएगा, Br फ्री रेडिकल फिर से फ्री हो जाएगा, तो CH3 CH2 ऐसे दिखा रहा हूँ H और CH2 और ये Br, देखो आप लोग Br कहाँ जुड़ा है, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, याद करो रिएक्टेंट हमने क्या लिया था, यही तो लिया था रिएक्टेंट, ये लिया है HBr के साथ कंसिडर कर रहे हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो ज़्यादा हो, और H कहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, यही प्रोडक्ट बनाया था उन्होंने CH3 CH और ये H और CH2 के साथ क्या जाएगा Br आ जाएगा,
देखो यही प्रोडक्ट बनाया मैकेनिज्म के थ्रू, और जबकि मार्कोनिक ऑफ रूल में जस्ट इसका उल्टा बनाया था हमने। तो ये है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल की मैकेनिज्म। ये आप लोग वीडियो पॉज करके बैक करके वापस आप लोग देख लोगे, आपको मैकेनिज्म सारी समझ आएगी प्रोडक्ट क्या बना है, और वो फ्री रेडिकल वापस मुक्त हो जाएगा। ये प्लस में क्या रह जाएगा, देखो यहाँ एच बी आर से कंसिडर हुआ था, और प्लस में क्या निकल जाएगा, बी आर, फिर से बी आर फ्री रेडिकल, और ये बी आर फ्री रेडिकल वापस से रिएक्शन करते रहेगा, वापस बी आर जुड़ेगा, फिर एच बी आर आएगा, चलती रहेगी रिएक्शन जब तक कि मॉलिक्यूल ख़त्म नहीं हो जाते, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ख़त्म नहीं होते, तो ऐसे रिएक्शन चलती रहती है। ये है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के बातें। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कौन देगा, केवल एच बी आर देगा, एच सी एल, एच आई, एच एफ नहीं देंगे, ये रीजन हमने डिस्कस कर लिया। केवल कौन देगा, एच बी आर देगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रिएक्शन आ जाएगी, रिएक्शन में देखो ऐसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, ये वाली जो मैंने पहले लिखाई थी सी एच थ्री। अब देखो कभी कभार ये पूछेगा ऐसे, अब आपको देखना पड़े ध्यान से, यहाँ लिख देगा एच बी आर और यहाँ लिख सकता है परऑक्साइड, परऑक्साइड, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखे। तो जहाँ पर कुछ नहीं लिखा वहाँ तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे, और जहाँ आपको परऑक्साइड लिख दिया वहाँ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे। तो मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट बनाऊँ तो प्रोडक्ट इसका तो ये बनेगा, ये बी आर यहाँ जोड़ दूंगा और ये सी एस थ्री यहाँ जुड़ जाएगा, एच जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे, और जबकि ये बनाता तो प्रोडक्ट क्या बनता अपने पास, ये बनता सी एस थ्री और यहाँ क्या जुड़ता बी आर, एच के